मुझे पर्सनली साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है। पर अभी दाल और चावल भिगाने का इतना टाइम नहीं है, सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए होता है, और ऐसा लगता है कि यार सांभर इडली बनाना इतना इजी तो नहीं है, पर एक्चुअल में है। मैंने यहाँ पर सांभर बनाई है जो बिल्कुल बाजार जैसी होगी, टेस्टी होगी और बहुत जल्दी बनेगी। और ये जो इडली है ये एक्चुअल में सूजी की इडली है, इसमें मैंने दाल चावल कुछ नहीं भिगाया है, इंस्टेंटली बनाया है। आप इसको बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब इडली और सांभर दोनों साथ साथ बनानी है तो सबसे पहले एक तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली ली है, लगभग 20 से 30 ग्राम इमली है, और इमली को एकदम गरम गरम पानी में यानी कि बॉइलिंग वाटर में रख दिया है लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि ये सारा अपना फ्लेवर छोड़ दे। अब अगर बाय चांस आपके पास इमली नहीं है घर पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आमचूर या नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तब भी सांभर में खटास आ जाती है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि एक्चुअल प्रोसीजर है तो ऑब्वियसली इमली इज द बेस्ट। एनीवेज, अब इडली की तैयारी कर लेते हैं। इडली मैं यहाँ पर नॉर्मल सूजी की इडली नहीं बना रहा, ये मेरी टेक्निक थोड़ी सी अलग है। ये यहाँ पर मैंने नॉर्मल सूजी ली है, ये थोड़ी कोर्स है, तो सबसे पहले इसको फाइन कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी इडली बनाने के लिए आपको फाइन वाली सूजी चाहिए। तब इसको एकदम फाइनली ग्राउंड कर देना। ये देखो आप, कुछ टेक्सचर ऐसा आ गया ना, मतलब सूजी ग्राइंड तो हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सूजी की इडली इतनी सॉफ्ट कैसे बनेगी और अलग कैसे है। उसका रीजन ये है कि जितनी आप यहाँ पर सूजी लोगे, यानी कि मैंने 1.5 कप सूजी ली है, तो उसी कटोरी से मैंने मेजर कर यहाँ पर 1.5 कप दही ले ली है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी में ली है। और सबसे पहला काम ये है कि आप इसको अच्छे से फेंटना, अच्छे से मिलाना। फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तक नमक डाल दिया है और इसको भी अच्छे से फेंट लिया है, अच्छे से मिला लिया है। ध्यान रहे कीवर्ड यहाँ पर है फेंटना, आप इसको अच्छे से फेंटना और देखना बहुत फर्क आएगा। यहाँ पर हमें पानी वानी कुछ नहीं डालना, नहीं 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 कुछ भी और नहीं डालना, आप बस दही और सूजी को दोनों को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। आधे घंटे बाद आप देखना अपने आप ही इसमें जादू होगा। अब फटाफट से सांभर की तैयारी कर लेते हैं। सांभर के लिए मैंने यहाँ पर टाटा संपन्न की तूर की दाल ली है। टाटा संपन्न की तूर दाल महाराष्ट्र के लातूर से आती है, जहाँ सबसे बेस्ट तूर दाल उगाई जाती है। दाल को बस आपने यहाँ पर अच्छे से धोना है 2 से 3 बारी, और फिर आपने इसको भीगने के लिए छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट ही इनफ है दाल को भिगाने के लिए, जब तक मैं यहाँ पर सब्जियों की चॉपिंग कर लेता हूँ। ध्यान रहे ये सब्जियों में से काफी सब्जियां ऑप्शनल है, बिल्कुल आपके ऊपर है। बस मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, ये सीताफल है, साथ में बीन्स लिए है मैंने, आधी लौकी और गाजर। ये कॉमन सब्जियां हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप इसमें यहाँ पर ड्रमस्टिक्स भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर बैंगन भी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो आप वो यहाँ पर जरूर डाल सकते हो। पर आप देख लो कि मैंने यहाँ पर चॉपिंग कैसे करी है। बीन्स को यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काटा है, सीताफल को भी ऐसे क्यूब्स में कर दिया है, जो घिया है उसको भी क्यूब्स में किया है लेकिन उसको पानी में डालकर रखा है, नहीं तो वो काला हो जाता है। साथ साथ मैंने गाजर को ऐसे स्लाइसेस में कर दिया है, टमाटर जो है उनको एकदम रफली चॉप किया है, कोई फाइनली चॉप नहीं किया है ताकि ईजी रहे। अब जो प्याज है, 1 प्याज तो मैंने ऐसे स्लाइसेस में कर दिया है, लेकिन टेक्सचर के लिए मैंने जो दूसरा प्याज है उसको ऐसे बल्ब्स में काटा है, आप ये देखो, ताकि मद्रासी अनियन को रिजेंबल कर पाए, कुछ कुछ वैसे खाने में लगे, इसलिए मैंने इनको बल्ब्स में काटा है। अब 15 मिनट हो गए हैं, चॉपिंग करते में 15 मिनट तो आराम से लगी जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप दाल लेना, दाल में आपने प्रेशर कुकर देते टाइम 3 कप पानी डालना है, साथ में आप यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर टाटा संपन्न की हल्दी डालना, साथ में यहाँ पर नमक तो आएगा ही, और हाँ थोड़ा सा तेल डाल देना ताकि प्रेशर कुकर में जब सीटी आए तो जो दाल है वो बाहर ना आए, और बस आपने 3 सीटी लगानी है हाई फ्लेम पर। तीन सीटी के बाद आप प्रेशर कुकर को अपने आप ही डीप्रेशराइज होने देना, गैस को आप बंद कर देना, और जब तक सीटियां आएंगी और आपका प्रेशर कुकर ठंडा होगा तब तक हम यहाँ पर मसाला बना लेते हैं, यानी कि सब्जियों को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो आपने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है, उसमें आपने प्याज को थोड़ा सा भुनना है। मैं यहाँ पर सरसों, मस्टर्ड सीड्स, हींग अभी नहीं डाल रहा, मैं यहाँ पर एकदम एंड में डालता हूँ सांभर में, ताकि उनकी खुशबू बहुत बढ़िया है। अभी सारी सब्जियों को आपने भुनना है ताकि उनका टेक्सचर और भी अच्छा है, थोड़ी सी भुनावट होगी तो डेफिनेटली फ्लेवर और निकल कर आएगा। तो आप यहाँ पर प्याज को हल्का सा कलर आने तक भुन लेना, आप देख सकते हो कि पहले पिंक था, अब ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, और बस जैसे ही इसमें हल्का हल्का कलर आ जाए फिर आपने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डालने हैं टाटा संपन्न की सांभर मसाला के,
अब हम यहाँ पर पाउडर सांबर मसाला यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने भुनते टाइम सांबर मसाला डाला है ताकि उसमें और फ्लेवर निकल कर आए। और हाँ, ध्यान रहे ये मसाला जलाना नहीं है, तो फटाफट से आप यहाँ पर टमाटर डाल देना और मसाले को जलने से बचाने के लिए आप थोड़ा सा पानी डाल देना, बहुत थोड़ा सा। बेसिकली मसाले को जलाना नहीं है, भुनना है ताकि उससे फ्लेवर निकल कर आए। और आपको तो पता ही है, जैसे ही टमाटर आएंगे तो आपने नमक भी डालना है। नमक के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दिया है ताकि कलर भी अच्छा आए और ये भी हल्का हल्का भुन जाए। प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छे से भून लेना। आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सांभर बहुत स्पाइसी मुझे पसंद नहीं है। सांभर खट्टी मीठी बहुत पसंद है मेरे को, खट्टी मीठी हो तो बहुत मज़ा आता है। बस आपने यहाँ पर टमाटर को हल्का सा गलने तक पकाना है, थोड़ी देर तक। फिर आप यहाँ पर बाकी सारी सब्जी डाल देना, जो आप यूज कर रहे होगे ना, आप वो सारी डाल देना। और अब आपको सब्जियों के साथ इस मसाले को भुनना है ताकि सब्जियां भी थोड़ी सी भुन जाए और ऐसे ही फ्लेवर निकल कर आता है। सब्जियां गलेंगी नहीं जो हम इस टाइम पे पका रहे हैं, इससे सब्जियां गलने नहीं वाली, इससे बस सब्जियां भुनेंगी और भुनने से ही बढ़िया फ्लेवर निकल कर आता है। टोटल 15 मिनट लगेंगे सीटियां लगने में और प्रेशर कुकर ठंडा होने में, और 15 मिनट ही लगेंगे इसको पूरी तरीके से पकने में। एंड में आप वो जो बल्ब्स ऑफ अनियन थे ना, प्याज के जो हमने बल्ब्स काटे थे, वो आप यहाँ पर डाल देना और ये बहुत बढ़िया टेक्सचर देंगे, क्योंकि पहले वाले प्याज हमने भुन दिए हैं, ये वाले प्याज हम भुनने नहीं वाले और वैसे भी ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं तो खाने में अच्छे लगेंगे। इतनी देर में प्रेशर कुकर ठंडा भी हो चुका है, डीप्रेशराइज हो चुका है, आप इसकी सीटी निकालना और आप देख सकते हो कि दाल बढ़िया तरीके से गल चुकी है। वो हमारा काम बहुत सही ट्रैक पे चल रहा है। अब बस आपने सारी सब्जियों को जो हमने भुनाई करी थी, सब्जियों की, वो आपने ट्रांसफर करनी है इस दाल में। ध्यान रहे कढ़ाई से सारा मसाला, सारे फ्लेवर्स निकाल लेना। और हाँ, जो हमने इमली भिगा के रखी थी आधे घंटे के लिए, मैंने बोला था ना, और आधे घंटे में देखो आप इमली पूरी भीग चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। आप सारा पल्प निकाल लेना, उसको छान देना। और वैसे आपको ये पूरा इमली का पानी लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये पूरा एक टाइम पे मत डालना, आप खटास अपने हिसाब से चेक करके डालना। तो पहले इसको हल्का सा मीठा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है। अगर गुड़ नहीं है घर में तो घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हो, 2 बड़े चम्मच काफी होंगे। हल्की सी खट्टी मीठी सांभर बहुत बढ़िया लगती है। और साथ में मैंने आधा इमली का पानी डाल दिया है। वैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने एंड में पूरा डाल दिया था, लेकिन पहले खटास अपने हिसाब से चेक करना, तो अभी इसलिए मैंने आधा इमली का पानी डाला है। अब आपने इसको ढक्कन लगाना है और मैं तो 3 सीटियां देता हूँ, क्योंकि मुझे सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट पसंद है। अगर आपको सब्जियां थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद है तो आप यहाँ पर 1 सीटी देना, हल्की सी नरम पसंद है तो 2, और अगर मेहतरा पसंद है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट तो फिर 3। मीडियम फ्लेम पर आपने सीटियां देनी है। इस टाइम जब तक सीटियां लगेंगी, आप इसको आप छोड़ देना मीडियम फ्लेम पे, ये 2-3 सीटियां लगती रहेंगी, प्रेशर कुकर अपना ठंडा होता रहेगा जब तक हम यहाँ पर इडली बना ले। तो इडली बनाने के लिए आप देख सकते हो अब बैटर कैसा है, सूजी फूल चुकी है अच्छे से दही के साथ। तो अब आपने यहाँ पर पानी डालना है, अब बैटर को पतला करना है, यही ट्रिकी पॉइंट है। पहले हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था ना, अब डालेंगे और अब आप देखना इडलियां बहुत अलग बनेंगी, मतलब जो सूजी की इडली बनती है उनसे बहुत अलग, बहुत सॉफ्ट इडली बनेगी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 कप पानी डाला है, यानी कि 3/4 कप पानी। ध्यान रहे ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ज्यादा पानी डाल दोगे तो इडली का बैटर पतला हो जाएगा, इडलियां सही से फूलेंगे नहीं। अब देखो मैं अच्छे से फेंट रहा हूँ इसको, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखो बैटर की कैसे फ्लो हो रहा है ना, थोड़ा गाढ़ा ऐसा टेक्सचर चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो इडली अच्छी नहीं बनेगी सच्ची में। खैर, जितनी देर में मैं इसको फेंट रहा हूँ उतनी देर में मैंने यहाँ पर जो इडली के सांचे हैं उनमें थोड़ा सा तेल लगा कर रख दिया है, जो स्टीमर है उसमें पानी उबलने के लिए छोड़ दिया है, पानी अच्छे से उबल रहा है उसमें। तो फटाफट से अब इडली का बैटर कंप्लीट करते हैं। इसमें आपने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इनफ होगा बेकिंग सोडा डालना है, थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल देना और इसको अच्छे से फेंट लेना। बेकिंग सोडा ही काफ़ी होगा, अगर आपके घर में नहीं है तो आप इनो डाल सकते हो 1 चम्मच, नहीं तो बेकिंग पाउडर डाल सकते हो 1 चम्मच, और बेकिंग सोडा से बेस्ट रिजल्ट आता है। अब आपने यहाँ पर इसको स्टीमर में ट्रांसफर करना है और 20 मिनट्स के लिए स्टीम करने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद ये देखो आप, बढ़िया इडली बनकर आई है ना।
बस आप एक चाकू डालकर टेस्ट करके देख लेना कि भैया चाकू सही से निकल कर आ रहा है ना, एकदम कहीं अंदर गीला तो नहीं है ना, इडली अभी कच्ची तो नहीं है ना। अगर इनमें बाय चांस गीला गीला आपको दिखे तो इडली कच्ची है, और जितनी देर में आपकी इडली बनेगी उतनी देर में प्रेशर कुकर में सीटियाँ लगकर ठंडा भी हो जाएगा। तो बस लास्ट स्टेप करना है सांभर में, तड़का मारना है सांभर में। मैंने यहाँ पर तड़का पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल में थोड़े ऑब्वियसली मस्टर्ड सीड्स तो आएंगे ही, सांभर भैया इनकम्प्लीट हो जाएगी। और हाँ, आधा चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है। हींग डालना बिल्कुल मत भूलना आप इस टाइम पे, अगर आपने हींग नहीं डाली ना तो सांभर कंप्लीट नहीं होगी, हींग जरूर डालना। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें हैं, इसको हम अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है इस तड़के को। और बस सीधा ही आप ढक्कन खोलना सांभर का और उसमें तड़का डाल देना। अच्छे से पूरा तड़का डालना, मतलब ऐसे तड़के पैन से ही आप मिला देना, और तभी सांभर कंप्लीट होगी। तो दोस्तों कलर बहुत बढ़िया आया है ना, और मैं आपको दिखा रहा हूँ मुझे कैसी सब्जियाँ पसंद है कि आपको समझ में आ जाएगी तीन सीटी में कितनी चलती है। ऐसी सब्जियाँ खड़ी खड़ी हैं, लेकिन जब मैं इनको चम्मच से काटूंगा देखो एकदम सॉफ्ट, मुझे तो ऐसी पसंद है, हल्की भुनी हुई और एकदम सॉफ्ट, मजा आता है। और आप देख सकते हो कि मैंने बाकी बचा हुआ इमली का पानी भी डाल दिया है, तो मैं आपको बोल रहा था ना मैंने पूरा डाला था। आपकी इच्छा है, आपको जितना खट्टा है उसे बनाना है आप बना सकते हो। मैंने आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स भी दे दिए सांभर अच्छी बनाने के लिए, लेकिन आप ऐसे इडली सांभर बना कर देखना। सांभर तो हो गई, फटाफट से इडली भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ठंडी मैंने पूरी कर ली है और अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको, है ना बहुत बढ़िया लग रही है सूजी की इडली। कहीं से भी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखो आप इतनी सॉफ्ट इडली बनी है। तो दोस्तों सॉफ्ट सॉफ्ट इडली है, बढ़िया सी सांभर है, आप इसको इस लॉकडाउन में जरूर ट्राई करना, मुझे पता है आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आपको साउथ इंडियन पसंद है।